स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 इंग्लिश प्रोज का एक लेसन जिसका नाम है फॉरगेटिंग और राइटर हैं रॉबर्ट लिंड का सेकेंड पार्ट हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन। यूजुअल परफेक्शन का अर्थ है सामान्य पूर्णता। मस्तिष्क की याद करने की जो सामान्य पूर्णता है, मस्तिष्क सामान्य अवस्था में जितना याद कर पाता है उसके बारे में कहा गया है। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन। यहाँ पर यह भी कहना जरूरी होगा कि कुछ मामलों में जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वह सामान्य पूर्णता से कम कार्य करती है। इट इज ओनली ए वेरी मेथोडिकल मैन आई इमेजिन। इमेजिन का अर्थ है कल्पना करना। मैं कल्पना करता हूं कि यह केवल कुछ मेथोडिकल मैन में, मेथोडिकल मैन से मतलब है मेथड के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति, नियम के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति। हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम। मैं कल्पना करता हूं कि केवल कुछ ही नियमों के अनुसार कार्य करने वाले लोग होते हैं जिन्हें यह याद रहता है कि उन्हें कौन सी दवा लेनी है और वह दवा जो उन्हें उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, लिखा हुआ होता है। कुछ ही लोग, नियमानुसार कार्य करने वाले लोग याद रख पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेम्बर। यह और भी आश्चर्यजनक है। सरप्राइजिंग का मतलब है आश्चर्यजनक, क्योंकि दवा लेना या दवा कब लेना है इसको याद रखना सबसे आसान कार्य है। ऐसे रूल नियम के अनुसार इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील। यह माना जाता है कि दवाएं भोजन से पूर्व या भोजन के बाद या फिर भोजन के बीच में ली जाती हैं। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट। और जो भोजन होता है वह खुद ही दवाओं का रिमाइंडर होता है। जैसे ही हम भोजन करने के लिए सोचते हैं, दवाओं की याद आ जाती है। द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर दैट फ्यू बट द मोरल जाइंट रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ एक तथ्य यह भी है कि कुछ भी हो, पर कुछ लोग होते हैं जो नैतिक दानों होते हैं याद करने के मामले में, याद करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। मोरल जाइंट रिमेंबर तो नैतिक दानों से अर्थ है जो लोग बहुत अच्छा याद रख लेते हैं वे ही याद कर पाते हैं कि रेगुलरली नियमित रूप से दवाएं उनको कब लेनी है। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल us that we forget things because we wish to forget them। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम प्रायः उन चीजों को भूल जाते हैं जिनको हम भूलने की कामना करते हैं, मतलब जानबूझ के भूलते हैं, चाहते हैं कि हमें याद ना आए इसलिए भूल जाते हैं। एंड इट मे बी दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशन
that many people fail to remember them at the appointment hour. Antipathy ka arth hai ghrina, pills and potion ka arth hai goliyan aur drav ke roop mein jo dawai hoti hain jisko hum syrup kehte hain. Goliyan aur syrup and it may be that it is because of their antipathy. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों में pills और पोषण गोलियों और सिरप के प्रति घृणा होती है. And it may be घृणा होती है that many people fail to remember that at the appointment hour. और इस कारण से बहुत से लोग अपॉइंटेड आवर मतलब निर्धारित समय पर दवाओं को लेना भूल जाते हैं या याद रखने में असफल हो जाते हैं कि जो निर्धारित समय है उस समय दवा को याद रखने में असफल हो जाते हैं. दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम. लेकिन यह पूरी व्याख्या नहीं है, इसे पूरी बात नहीं कही जा सकती. हाउएवर जो भी हो, हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी मेडिसिन, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दवाओं पे ही चलता है, लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन मतलब जो पूरे जीवन भर दवाओं पे समर्पित होता है या कहीं के दवाओं पे आश्रित होता है, लाइक माई सेल्फ मेरे जैसा ही, इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम as those who take them most unwillingly. मेरे जैसा ही कोई जो दवाओं को लेना भूल जाता है, ठीक वैसे ही उन लोगों जैसे ही जो दवाओं को अनिच्छापूर्वक लेते हैं. जबकि मैं दवाओं पे ही जीने वाला व्यक्ति हूँ और मैं भी उन लोगों की तरह दवाओं को लेना भूल जाता हूँ जो दवाओं को बहुत ही अनिच्छापूर्वक लेते हैं. The very prospect of a new and widely advertised cure of all delights me. Prospect मतलब होता है आशा, widely advertised मतलब बहुत प्रचार प्रसार किया हुआ, cure all delight जो सभी बीमारियों का इलाज कर दे. तो बहुत ऐसी कोई दवा जो बहुत ही आशाजनक हो और जो बहुत प्रचारित प्रसारित हो और जो सभी बीमारियों के इलाज कर देती हो, वह मेरे लिए प्रसन्नता की बात होती है. इट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, यहाँ तक कि मेरे पॉकेट में कुछ है, कुछ पदार्थ है. स्टफ का अर्थ होता है पदार्थ, तो यहाँ पर पदार्थ से अर्थ है दवाओं से. यहाँ तक कि मेरी पॉकेट में दवाएं हैं. आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द आवर approaches at which I ought to swallow it. लेकिन मैं इसको भूल जाऊंगा, इतना जल्दी ही भूल जाऊंगा कि जैसे ही वह समय आएगा जब मुझे इस दवा को निगल जाना चाहिए, खा जाना चाहिए, तो मैं उस समय भूल चुका हूंगा. Chemists make their fortune out of the medicine people forget to take. Chemist मतलब दवा बेचने वाले make their fortune अपनी जीविका चलाते हैं. आउट ऑफ द मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक, उन दवाओं से जिन्हें लोग लेना भूल जाते हैं. तो दवा बेचने वाले अपनी जीविका चलाते हैं उन दवाओं के कारण जिन्हें लोग लेना भूल जाते हैं. द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की जो सबसे सामान्य रूप है, भूलने की जो सामान्य अवस्था है, कॉमन मतलब सर्व सामान्य में पाए जाने वाली जो अवस्था है, आई सपोज मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, आकर्ष इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर. और ये जो सबसे सामान्य भुलक्कड़पन की आदत है वह है लेटर को पोस्ट करना, जो प्रायः हर कोई भूलता है. So common is it that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter.
ये इतना कॉमन होता है, इतना सामान्य होता है, इसको भूल जाना कि मैं प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे मिलने वाले व्यक्ति को जो मुझसे विदा हो रहा होता है उस पर विश्वास कर पाने में अनिच्छुक होता हूँ। यदि मुझे कोई लेटर पोस्ट करवाना होता है तो कोई व्यक्ति जो मुझसे जा रहा है, मेरे पास से कहीं जा रहा है, उसे मैं लेटर देने में, अपना पत्र देने में, किसे पोस्ट कर देना, ऐसा करने में मैं बहुत ही अनिच्छुक रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यह तो भूल जाएगा। सो लिटिल डू आई रिले ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन हिज ऑफ बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम। और इसलिए मैं थोड़ा उसकी याददाश्त को गति देता हूँ। आई पुट हिम ऑन हिज ऑथ, मैं उसको एक प्रतिज्ञा दिलाता हूँ, एक कोई पत्र उसके हाथ में देते समय कि भूलना मत भाई, छोटी से पोस्ट कर देना। एज फॉर माई सेल्फ एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट ए लेटर, और मेरे बारे में अगर कहा जाए, मेरे बारे में देखा जाए, तो कोई व्यक्ति जो मुझे लेटर या अपना पत्र देता है पोस्ट करने के लिए, इज ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। वह व्यक्ति किसी की व्यक्तित्व को, किसी के गुणों को जज कर पाने में, समझ पाने में बहुत ही कमजोर होता है। मतलब अगर उसको समझ होती कि सामने वाला व्यक्ति कितना जिम्मेदारी से पत्र छोड़ेगा, तो वह निश्चित रूप से मुझे पत्र नहीं देता। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, और यहाँ तक कि जब मैं पत्र को अपने हाथों में लेकर ढो रहा होता हूँ, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स, मैं हर बार ही पहला जो पिलर लेटर बॉक्स होता है उससे गुजर जाता हूँ। मुझे याद नहीं आता कि मुझे यहीं पे लेटर पोस्ट करना था। बिफोर आई रिमेम्बर दैट आई ought to have posted, इसके पहले कि मैं इसके याद रख सकूँ कि इसे मुझे पोस्ट करना था, मैं फर्स्ट पिलर बॉक्स को पास कर जाता हूँ, उसके आगे निकल जाता हूँ। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, और इस पत्र को अपने हाथ में लिए लिए थक जाता हूँ, वेरी मतलब थकना। आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इनटू वन ऑफ माई पॉकेट, और फिर इस पत्र की सुरक्षा के लिए इस पत्र को मैं अपने किसी जेब में रख लेता हूँ, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और फिर इसके बारे में बिल्कुल ही भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, इसके बाद इट हैज एन एडवेंचरस लाइफ, और इसके बाद एक बिल्कुल ही अरोमांचकारी लाइफ होती है, जो स्थिति बनती है वो बिल्कुल ही नीरस जैसा लगता है। टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंस लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, इसके बाद फिर बहुत सी साक्ष्यों की श्रृंखला सामने आती है भूलने की, जिससे मुझे काफ़ी शर्म महसूस होता है, मार्सिंग मतलब शर्म। तो भूलने की जो, पत्र को पोस्ट करने की भूलने की जो आदत है, ऐसी बहुत सी श्रृंखलाएँ हैं मेरे जीवन में जिनके कारण, जहाँ मैं कुछ भूल जाता हूँ और फिर मुझे शर्मसार होना पड़ता है। क्वेश्चनिंग बींग आस्क्ड, प्रश्न पूछे जाते हैं, एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, और मैं इस बात के लिए मैं दबाव महसूस करता हूँ, लोग मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि मैं अपने जेब से अपने अपराध का सबूत निकालूं। मतलब जो पत्र मैंने पोस्ट नहीं किया था वो मेरे पत्र जेब में पड़ा हुआ है, उसे मैं निकालूं और सब कुछ साबित हो जाएगा कि मैं पत्र पोस्ट करना भूल गया। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, यह मेरे अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों के पत्र में रुचि का न होना भी इसका कारण हो सकता है। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन यह कोई सफाई देना जैसा नहीं होगा, पूरी बात नहीं होगी, यह इस बात को संतुष्टि नहीं देगा कि दूसरों के पत्र के प्रति रुचि न होने के कारण ऐसा हो गया या ऐसा हो जाता है। फॉर आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवेंट ऑफ द फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेम्बर टू राइट, मैं तो ऐसे भी पत्र को
पोस्ट करना भूल जाता हूँ जो मैंने खुद ही लिखा होता है और जिसे पोस्ट करना होता है, मेरे पत्र होते हैं उन्हें भी मैं भूल जाता हूँ। तो यह कहना कि दूसरों के पत्र में रुचि न होना ही इसका कारण है, यह काफ़ी नहीं है इस भूलने भुलक्कड़पन के आदत के पीछे।